जो मेरे ग्लोइंग स्किन का जो राज था वो यही था। दिस इज़ अ वेरी नाइस हाइड्रेशन क्रीम, घर पे नाइट क्रीम, कोई महंगी नाइट क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। शिल्पी, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो है माय नाइट स्किन केयर रूटीन। मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ, ऑफ कोर्स अभी आप देख रहे हैं मेरे फेस पे थोड़ी सी मेकअप है। सो यस, ये जो नाइट स्किन केयर रूटीन है ये बिल्कुल सारे स्टेप्स के साथ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में क्या करती हूँ, ऐसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग हर रोज़ हम 8 स्टेप वाले नाइट स्किन केयर रूटीन नहीं कर पाते हैं। जस्ट फेस वॉश करके और एक मॉइस्चराइजर लगा दिया, दैट्स इट, या फिर सीरम लगा लिया, दैट्स इट, या फिर कभी कभी तो फेस वॉश भी नहीं करते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। बट यू नो, कभी कभी टाइम निकाल के अच्छे से नाइट स्किन केयर रूटीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, आपके स्किन हेल्थ के लिए, एजिंग के लिए, आपके स्किन के एजिंग के लिए। सो यस, ये है मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन, ऑनेस्ट नाइट स्किन केयर रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने स्किन टाइप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। मेरी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है और ये जो नाइट स्किन केयर रूटीन है मेरी, ये थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मेरे फेस पे थोड़ा सा मेकअप है, सो सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी। एंड आप कोई भी वाइप ले सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। अभी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे वाइप जो है वो काफ़ी हैंडी लग रहा है, इसीलिए अदरवाइज़ मैं कोई किसी ऑयल से रिमूव कर लेती हूँ वॉश बेसिन के पास जाकर। और यस, कभी कभी मैं फेस वाइप भी यूज़ कर लेती हूँ, ये ट्रैवल फ्रेंडली है और आप ट्रैवल करने के वक्त ही आप यूज़ करेंगे तो हेल्पफुल रहता है, बहुत ही हैंडी रहता है। सो यस, दिस इज़ अ वाइप, नॉर्मल रेगुलर वाइप, और उससे मैं करूँगी अपना थोड़ा बहुत मेकअप रिमूव। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेकअप को डायरेक्टली फेस वॉश से रिमूव ना करें, उसके पहले आप वेट वाइप या किसी मेकअप रिमूवर, बहुत सारे लोग मिसलर वाटर यूज़ करते हैं बट मैं उसे इग्नोर करती हूँ क्योंकि वो मेरे स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है एंड उसमें अल्कोहल रहता है। सो मैं उसे मोस्टली इग्नोर करती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं हैवी मेकअप यूज़ करती हूँ तो फिर वो मुझे यूज़ करना ही होता है। अदरवाइज़ आई थिंक कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट मेकअप रिमूवर। सो या सेकेंड स्टेप जो मेरे क्लिनजर का एक और एक दूसरा स्टेप है वो है फेस वॉश, ऑफकोर्स। सो फर्स्ट स्टेप जो था वो हैंड वॉश था, मैं हैंड वॉश करके यहाँ बैठी थी एंड उसके बाद मैंने वाइप से क्लीन किया अपना मेकअप एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये फेस वॉश। रिसर्च कर रही हूँ इस फेस वॉश पे तो मैं इसे यूज़ कर लूँ, फिर इसकी रिव्यू आप लोगों को मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ। दिस इज़ फ्रॉम ओरिएंटल बोटानिक्स। सो या एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके देन अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऐड करूंगी बेसन, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि बहुत ही थिन लेयर लगाना है फेस मास्क का, ज़्यादा थिक नहीं। बेसन, उसमें मैं ऐड करूंगी ये ऑरेंज जूस, नॉट लेमन और लाइम जूस बट ऑरेंज जूस, क्योंकि ये ज़्यादा हार्श नहीं होगा आपके स्किन के लिए। ये जूस जो है वो मैं ऐड करूँगी, विल हेल्प टू मेंटेन योर स्किन हाइड्रेशन। सो या, और एक इंग्रेडिएंट है वो है हनी।
काफ़ी रनी फेस मास्क होने वाला है ये, सो नो नीड टू ऐड मोर बेसन टू इट. बेसन जस्ट एक होल्डिंग फॉर होल्डिंग पर्पस है आपके हनी और विटामिन सी जो है आपके ऑरेंज जूस को होल्ड करने के लिए बेसन है. दैट्स इट राइट. बहुत ही रनी होगा ये. के नीचे और लिप्स के इर्द गिर्द भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सेंसिटिव स्किन को डैमेज करे. ये फेस मास्क को आपको रखना है 10 मिनट्स के लिए अपने स्किन के ऊपर, और ऑफ कोर्स ये ड्राई नहीं होने वाला क्योंकि इसमें हनी है. सो ये जस्ट सेट होगा ना आपके स्किन पे, तभी इसको आपको वॉश कर लेना है. ये जो फेस मास्क है ना, जब मेरी शादी होने वाली थी तो इसी फेस मास्क को मैं लगाती थी एवरी डे एवरी नाइट. तो ये जो मेरे ग्लोइंग स्किन का जो राज था वो यही था. सो फेस मास्क लग चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रोल माई फोन फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी. सो अब जो ये मेरा फेस मास्क है ना, आफ्टर 10 मिनट्स ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है. एज यू कैन सी काफ़ी स्टिकी हो रहा है और सेट हो चुका है मेरे फेस पे. ऑफ कोर्स ये 100% ड्राई नहीं होगा एज यू कैन सी, क्योंकि इस पे हनी है और काफ़ी स्टिकी हो गया, काफ़ी स्टिकी मेरे आईलिड्स चिपक रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू वॉश इट. अब मैं इसे वॉश कर लूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से फेस को वॉश करके, और फिर शो करती हूँ इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स. यू कैन सी सॉफ्टेस्ट स्किन एवर, क्योंकि इसमें हनी है और इसमें है ऑरेंज जूस. सो हनी आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, एंड ऑरेंज जूस आपके मॉइस्चर स्किन के हाइड्रेशन को बरकरार रखने में हेल्प करता है विटामिन. नेक्स्ट जो स्टेप है होगा ये शीट मास्क हो सकता है, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप अगर आप कोई सीरम लगा रहे हैं या आपको करना है. दिस इज़ एन ऑप्शनल वन. अगर आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप दिस वन. नेक्स्ट मैं अपने फेस को करूँगी थोड़ा सा टोनर, जो कि मेरा फिनिश होने वाला है टोनर. ट्राई टू यूज़ 0% अल्कोहल टोनर जिसमें अल्कोहल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि विथ अल्कोहल जो टोनर्स होते हैं ना वो आपके स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं. सो यस. उसके बाद आप लगा सकते हैं कोई नाइट क्रीम या अपना कोई सीरम. सो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ एक ट्रिक. सबसे पहले तो मैं डालूँगी अपने आईज में ये आई ड्रॉप. अगर आपके पास कोई अवेलेबल हो ना तो आप उससे ये आई ड्रॉप को डलवाइएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आई की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम दीज डेज. सो यस, आई ड्रॉप डाल दिया मैंने. अब आप कर सकते हैं कोई सीरम लगा सकते हैं और उसके बाद अपना नाइट क्रीम लगा सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. दिस इज़ एलोवेरा जेल. ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस हाइड्रेशन क्रीम, घर पे नाइट क्रीम. कोई महंगी नाइट क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप यूज़ करते हो बहुत अच्छी बात है, बट मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो दिस इज़ एलोवेरा जेल. मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, मैंने वॉश किया है. अपना सीरम ऐड करूँगी. सीरम, फेशियल ऑयल, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप. इसे करूँगी मैं मिक्स. काफ़ी भर भर के मैंने सीरम डाला है बाय द वे, क्योंकि मैं क्रीम नहीं लगा रही हूँ. सो इसे करेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स.
वेस्ट एनी प्रोडक्ट, डोंट वेस्ट योर प्रोडक्ट। एक्सेस को मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ ऑफ कोर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एंडिंग स्किन केयर प्रोसेस होता है हमारा, बट दिस वन इज लास्ट वन, वैसलीन। ये वैसलीन प्योर पेट्रोलियम जेली, एम डन। ये थी मेरी प्रॉपर नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड येस, काफ़ी वास्ट नहीं है, काफ़ी इलेबोरेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल नाइट स्किन केयर रूटीन मैं करती हूँ। वो सारे प्रोडक्ट्स से मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के किचन से ही मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकूँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल हो और केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव फ्री हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्किन हेल्थ के लिए अच्छा हो। सो येस, दिस वॉज माई ट्रू नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरे चैनल पे जो नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन, वो सारे नोटिफिकेशन जो मैं हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ, वो सारे रिव्यू वीडियोज़, वो सारे हेयर स्टाइल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए एंड आप उसे देखकर इंजॉय कर सकें। सो मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।